स्टार्ट करते हैं हमारे दोबारे से सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम है आपका इम्प्रिजेंड। इम्प्रिजेंड यानी क्या होता है? कैदी बना लेना। क्या होता है इम्प्रिजेंड यानी? कैदी बना लेना। जॉयस, जॉयस यानी होता है खुश। जॉयस यानी क्या होता है? खुश। फ्री, फ्री यानी मुक्त कर देना। फ्री यानी क्या होता है? मुक्त कर देना। ये लिबरेटेड कुछ मीनिंग नहीं होता, ठीक है? मैंने डिक्शनरी में भी देख लिया, ये कोई मीनिंग नहीं होता, इसको हटा देना। कन्फाइंड, कन्फाइंड यानी भी क्या होता है? कैद कर लेना। कन्फाइंड यानी क्या होता है? कैद कर लेना। तो इम्प्रिजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? कॉन्फाइंड। नेक्स्ट देखना हिंडर्ड। हिंडर यानी होता है बाधा डालना। हिंडर यानी क्या होता है? बाधा डालना। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी क्या होता है? रोकना या बाधा डालना। क्या होता है? रोकना या बाधा डालना। निगेट, निगेट यानी होता है नलीफाई कर देना। नलीफाई का मतलब शून्य कर देना, जीरो कर देना, ठीक है? निगेट यानी होता है ख़त्म कर देना। स्लो, स्लो यानी क्या होता है? कम कर देना। स्लो यानी क्या होता है? कम कर देना। एड, एड यानी क्या होता है? मदद करना। एड यानी क्या होता है? मदद करना। नेक्स्ट देखना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी क्या होता है? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल यानी क्या होता है? क्षैतिज। कर्व्ड, कर्व्ड यानी क्या होता है? टेढ़ा हुआ जैसा, है ना? पैराबोला होता है ना, परवलय। परवलय कैसा होता है? कर्व्ड, ठीक है? रेनबो, इंद्रधनुष कैसा होता है आपका? कर्व्ड। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? क्षैतिज, सीधा, ठीक है? सीधाई में। स्पॉटेड यानी वो जो स्पॉट किया जाता है, खोजा जाता है, ठीक है? जैसे कि मान के चलो कोई जानवर मर गया तो अपन कैसे बोलेंगे? जानवर को जंगल में स्पॉट किया गया, मतलब पाया गया। फाइंड, फाइंड होता है खोज की ना, स्पॉटेड करना। और दूसरा क्या होता है? डॉट 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 स्पॉट, वो डॉटेड होता है, सॉरी। स्पॉट यानी क्या होता है? खोज करना। फ्रैगमेंटेड यानी होता है टुकड़ों में तोड़ देना। फ्रैगमेंटेड यानी क्या होता है? टुकड़ों में विभाजित कर देना। वर्टिकल, वर्टिकल यानी होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे वाला जो होता है। देखो दाएँ से बाएँ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। अब ध्यान से सुनना, इसमें इसका कोई सिनोनिम नहीं है, ठीक है? ना स्पॉटेड है, ना कर्व्ड है, ना फ्रैगमेंटेड है, ना वर्टिकल है। लेकिन आपको इसमें क्या करके आना है कि आपको कोई भी टिक लगाया ना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि या तो क्वेश्चन हटा देंगे या आपको नंबर इसमें एक्स्ट्रा दे देंगे। नेक्स्ट देखना अमल, अमलगेमेटेड। अमलगामेटेड, अमलगामेटेड यानी होता है इकट्ठा हो जाना। अमलगामेटेड यानी क्या होता है? इकट्ठा हो जाना। नेम्ड यानी नेम देना, नामकरण करना। सेपरेटेड यानी क्या होता है? अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। वैकेट, वैकेट यानी क्या होता है? खाली कर देना। वैकेट यानी क्या होता है? खाली कर देना। मर्ज, मर्ज ई डी फॉर्म लगी है, सेकंड थर्ड फॉर्म लगी है। मर्ज यानी क्या होता है? जोड़ देना, ठीक है? तो अमलगामेटेड का सिनोनिम हो जाएगा मर्ज्ड, ठीक है? जोड़ देना, मिला देना। नेक्स्ट देखना सेग्रीगेट। सेग्रीगेट यानी भी होता है अलग अलग कर देना। सेग्रीगेट यानी क्या होता है? अलग अलग करना। सेपरेटेड, सेपरेट यानी भी क्या होता है? अलग अलग करना। ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी क्या होता है? जोड़ देना। ज्वाइंट, ज्वाइन कर देना, जोड़ देना। रिस्पेक्ट यानी क्या होता है? आदर करना। और सी यानी क्या होता है? देखना। अगला देखना एरोगेंट। एरोगेंट यानी होता है घमंडी। एरोगेंट यानी क्या होता है? घमंडी, दम्भी, ठीक है? दम्भी बोलते हैं ना, घमंड करने वाला। प्राउड, प्राउड यानी भी क्या होता है? घमंडी, जो प्राउड करता है अपने, गर्व करता है अपने ऊपर, ठीक है? हम्बल यानी विनम्र। सेलेक्टिव यानी चयनित। सेलेक्टिव यानी क्या होता है? चयनित। रूड यानी बुरा, बेकार, बर्ताव करने वाला इंसान। रूड, बेकार, बुरा। नेक्स्ट देखना पार्शियल। पार्शियल होना होता है आंशिक, मतलब कम पोर्शन किसी भी चीज़ का। क्या होता है? छोटा सा पोर्शन या टुकड़ा बोल सकते हो, अंश होना। जैसे कोई पैसेज है, गद्यांश है, गद्यांश 10 लाइनों का है, तो उसमें से हमने 2 लाइन ले ली, तो क्या कर दिया हमने? उसका एक पार्शियल फॉर्म ले लिया हमने, एक अंश ले लिया उसका, ठीक है? कंप्लीट यानी क्या होता है? पूरा। इनकम्प्लीट यानी अधूरा। फ्रैगमेंट यानी क्या होता है? अंश या टुकड़ा, टुकड़ा या अंश। तो पार्शियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंट हो जाएगा। स्मॉल यानी क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट देखना राइवल। राइवल यानी होता है प्रतियोगी, प्रतियोगी या विरोधी, या जो आपसे कंपटीशन करता है, ठीक है? जो आपका सामने अपोनेंट होता है, ठीक है? वही क्या होता है? राइवल। जैसे कि WWE हो रही है मान के चलो, तो एक अंडरटेकर रहेगा और जॉन सीना, इन दोनों की लड़ाई है,
तो ये दोनों एक दूसरे के कौन है, राइवल है, या एक दूसरे के कौन है, ये अपोनेंट है। ठीक है, अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी होता है पावरफुल, पावर में होता है अथॉरिटी, पावरफुल नहीं होता। जैसे कि कोई कंपनी है, तो कंपनी जिसके हाथ में होगी तो वही कौन होता है, अथॉरिटी होती है। मार्केट यानी बाजार, सोर्स यानी स्रोत, सोर्स यानी क्या होता है, स्रोत। अथॉरिटी यानी क्या होता है, जो पावर में होता है, जिसकी खुद का अपना बिजनेस होता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे। जैसे संदीप माहेश्वरी है, वो अपना एक बिजनेस चलाता है, तो उस बिजनेस का संदीप माहेश्वरी कौन हो गया, अथॉरिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इमिटेट, इमिटेट यानी क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना, मिमिक करना, मिमिक्री करना, कॉपी करना किसी की, ठीक है, नकल करना, इमिटेट। सेल यानी क्या होता है, बेचना। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, जैसे ब्रिंग मी वाटर, मुझे पानी लाओ। एडवर्टाइज यानी प्रचार प्रसार करना, प्रचार करना, ऐड आते हैं जो आपके, एडवर्टाइज। अलग देखना, शेल्डम, शेल्डम का मतलब होता है शायद, शायद ही, शेल्डम का मतलब क्या होता है, शायद ही, मतलब बहुत ही कम। वंस यानी एक बार, वंस यानी क्या होता है, एक बार। नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी क्या होता है, कभी नहीं। रेयरली यानी बहुत कम, शायद ही। तो शेल्डम को सिनोनिम क्या हो गया आपका, रेयरली हो गया। फ्रिक्वेंटली यानी रुक रुक कर होने वाला, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यानी मतलब बार बार रिपीट होने वाला, फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी रिपीट होने वाला, ठीक है, जल्दी जल्दी घटित होने वाला, फ्रिक्वेंटली। डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी होता है निराशा, निराशा यानी होता है जिसमें आशा ना हो, निराशा यानी क्या होता है, जिसमें कोई आशा ना बची हो। तो होप, होप का मतलब क्या होता है, आशा। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है दुख। देखो, निराशा और दुख में अंतर होता है, लगभग थोड़े थोड़े सेम है, लेकिन ये फिर भी इनमें अंतर है। दुख होता है जैसे कोई हमें छोड़ के चला गया, तो उसका हमें क्या होगा, दुख होगा। ठीक है, डिजेक्शन, डिजेक्शन यानी भी क्या होता है, दुख। ठीक है, वही जो कोई हमें छोड़ के चला गया तो क्या होता है, दुख होता है। ग्लूम, ग्लूम यानी भी क्या होता है, निराशा। होपलेसनेस, होपलेसनेस यानी क्या होती है, निराशा। ठीक है, तो ये अनहैप्पीनेस, डिजेक्शन, ग्लूम, देखने में ऐसे लग रहा है सैड, दुखी, लेकिन इसका तीनों में से जो करेक्ट देखें डेस्पेयर का सिनोनिम, वो क्या होगा, ग्लूम होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, होपलेसनेस यानी निराशा। ओके,